हर शख्स जो है एक अच्छे घर में रहना चाहता है, कोई आदमी कोई फैमिली ऐसी जगह नहीं रहना चाहता कि जो एनवायरमेंटली ख़राब हो, वहाँ हाइजीन के मसले हो, गंदी जगह हो। तो मसला ये है कि कच्ची आबादी में रहने वाले वहाँ शौक से नहीं रहते, जी उनको जगह चाहिए रहने के लिए और वो उनकी अपनी इनकम के लिहाज से वो जगह होनी चाहिए, जिसको ये ज़मीन ख़रीद सकें, मकान बना सकें। तो अब स्टेट चूँकि उनको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो अपने तौर पे वो कोशिश करते हैं। शहरों में जो लोग आते हैं वो ज़मीनों पे कब्ज़ा करने के लिए नहीं आते, वो मुलाजमत करने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। ठीक, तो अब उनको अगर जगह ना मिले तो फिर वो मजबूरन ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर वो आराम से रह सकें, चाहे वो गंदी हों, चाहे वो इलीगल हों। तो कच्ची आबादी में तो बनने का बुनियादी सबब ये है। दूसरे लोग हैं जो प्लान एरियाज में रहते हैं, जो अच्छे मकानों में रहते हैं, उनका क्या व्यू है कच्ची आबादी के बारे में, प्रोपेगेंडा जो है वो किस बुनियाद पे होता है। नॉर्मली हमारे जो मिडिल क्लास है उसके नज़दीक उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो हर चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब कच्ची आबादी किसी इलाके में बनती है तो उनकी वो ये समझते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो इन लोगों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं कि कच्ची आबादी में रहने वाले क्रिमिनल्स हैं, चोर हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या स्मगलर हैं, या मतलब ये कि ऐसे मसाइल पैदा करते हैं जो वो कंट्रोल ना कर सकें, गंदगी फैलाते हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा तो ये है। फिर मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं कि कहीं उनको अफगान कह दिया जाता है, कहीं बांग्लादेशी कह दिया जाता है, कहीं बर्मीज़ कह दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि इनको शहरों से खारिज किया जाए। इसमें ये भी तो एक इतना एक्टिव इशू है हमारी, जो अभी ऑपरेशन चल रहे हैं जिनमें इतने ज़्यादा लोग इंटरनली डिस्प्लेस भी हो रहे हैं, वही लोग उठ कर इधर आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये दोबारा टेररिस्ट कह रहे हैं, वो टेररिज्म से भाग रहे हैं, उनको इधर आकर टेररिस्ट कह रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं ये मेहनत कश लोग हैं, ये अपने हाथ से रोजी कमाते हैं, ये स्टेट पर बोझ नहीं है, ये हमारी सोसाइटी और शहरों की ज़रूरत है। एक तरफ तो इनको क्रिमिनल कह दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि इनको यहाँ से हटाया जाए, दूसरी तरफ इन्हीं लोगों की ज़रूरत होती है, मिडिल क्लास को, स्टेट को भी ज़रूरत होती है, कारखानेदारों को भी ज़रूरत होती है। आप ये ख्याल करें कि इस्लामाबाद को बनाने वाले कौन लोग थे, मिडिल क्लास वाले तो नहीं थे, ये लोग आए, इन्होंने सड़कें बनाई, मेहनत की, और इनको शुरू में बसाया नहीं गया बल्कि इनको इजाज़त दी गई कि ये शहर में रहें। होना ये चाहिए था कि जब आपको शहर की ज़रूरत है शहर बनाने की तो इनके लिए भी रहने का इंतज़ाम करते, या अगर आप कारखाने लगा रहे हैं, मज़दूरों की ज़रूरत है तो मज़दूर जब आएंगे तो उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना भी या तो कारखानेदार की ज़िम्मेदारी है या स्टेट की ज़िम्मेदारी है, दोनों ने पूरी नहीं की। तो जब वो वहाँ रहेंगे, काम करेंगे तो रहेंगे कहाँ? तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे मिडिल क्लास को और हमारे पढ़े लिखे लोगों को और स्टेट फंक्शनरीज को समझ में नहीं आती कि ये कम आमदनी वाले लोग जो हैं वो शहरी ज़िंदगी का हिस्सा है। और जैसे सिर्फ उसमें ख़राबी यह है कि ये उनकी नज़र में इलीगली रह रहे हैं, बाकी कोई ख़राबी उनमें नहीं है। ये उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जो बड़े मकानों में रह रहे हैं, उनकी मेहनत की वजह से ये शहर चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, और अगर ये शहरों से चले जाएं तो ये शहर को चलाना मुमकिन ना रहे। और इलीगल भी इसीलिए because they can't afford the legal, वरना वो बिल्कुल पैसे दें, वो पैसे देने को तैयार होते हैं, लेकिन ये कि उसके लिए ऐसी स्कीम ही नहीं बनाई जाती, वो मजबूरी के तौर पर इलीगल। रोल ऑफ द स्टेट की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे ये है कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनकी सारी जरूरियात को या तो पूरा करें या कोई ऐसी पॉलिसीज बनाए कि जिससे उनको सपोर्ट मिल सके। मिसाल के तौर पर अगर वो घर बना के नहीं दे सकते तो उनको सब्सिडाइज लैंड दे दे, या ये कि अगर सब्सिडाइज लैंड नहीं देती
तो उनसे आसान किस्तों में पैसा ले लो। ये लोग क्या चाहते हैं, ये एक छोटा सा कतह ज़मीन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनसे इतने पैसे लिए जाएं जो उनकी इनकम से वो दे सकें। मिसाल के तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में 13,000 रुपये मिनिमम वेज है, तो अगर मिनिमम वेज के 2 महीने की आमदनी जो है स्टेट उनसे ले कि 2 महीने की आप आमदनी हमें दें और आपको किस्तों पे हम एक प्लॉट दे देंगे, वो मकान भी खुद बनाने को तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बनाने का खर्चा है वो भी देने को तैयार है। तो स्टेट की जिम्मेदारी ये है कि उनकी रिहाइश का खुद इंतज़ाम करे, लैंड का या लैंड का इंतज़ाम करे, सस्ती ज़मीन का इंतज़ाम करे और उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद दे और उसके बाद फिर तालीम, सेहत और जो छोटे कर्जों की स्कीम है उनसे इनको लिंक किया जाए, तो ये अपने पाँव पे खड़ा हो सकते हैं और स्टेट पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि स्टेट जो है वो रिच लोगों के लिए और मिडिल क्लास जो हायर मिडिल इनकम लोग हैं उनके लिए सारी सहूलियात देती है। ये बड़े बड़े ज़मीन के जो कतार दिए जाते हैं एक एक कनाल के, दो दो कनाल के, आपका क्या ख्याल है कि इनको मार्केट प्राइस पे दिए जाते हैं, इनको सब्सिडाइज प्राइस पे दिए जाते हैं जिसको वो 4 गुना 8 गुना 10 गुना जब वो कीमत होती है तो बेच देते हैं। तो स्टेट जो है उन्हीं को सपोर्ट कर रही है जिनके पास ज़्यादा पैसा है और उन लोगों को इग्नोर कर रही है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर ये है कि प्रोपेगेंडा भी कर रही है, फिर जब वो रहने लगते हैं तो उनको एविक्ट कर दिया जाता है, फोर्सिबली एविक्ट कर दिया जाता है, उनके जो जो उनके असासे होते हैं वो तबाह हो जाते हैं, जो सोशल लिंकेजेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो दरबदर फिरते रहते हैं, फिर वो कहीं सर वो सर छुपाने के लिए कोई जगह तलाश करते हैं। तो एक तो ये इंसानी मसला है, दूसरा ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीसरा ये कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई इंक्रोचमेंट का या कोई ऐसी फोर्सिबल ऑक्यूपेशन का मसला नहीं है, ये एक मुस्तकिल ज़रूरत है। कम आमदनी वालों की जो हाउसिंग है ये एक मुस्तकिल ज़रूरत है जो बढ़ती चली जाएगी, तो उसके लिए ज़रूरत है कि हम अपनी प्लानिंग को चेंज करें, अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करें और ऐसे लॉज बनाएं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जिससे कम आमदनी वाले जो हैं वो एक सस्ते कीमत पे एक प्लॉट ले सकें।